कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गोरखपुर जिले में शुक्रवार को एक बार फिर 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो गई है। अब गोरखपुर में मृतकों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। गोरखपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4947 हो गई है। अब तक 1056 मरीजों का इलाज हो चुका है। अभी भी 1456 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत, तो 2354 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गोरखपुर में जो 275 नए कोरोना मरीज संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें सदर क्षेत्र में 161 तो ग्रामीण क्षेत्र में 92 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। सदर क्षेत्र में जो 161 मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 39, गोरखनाथ क्षेत्र में 30, राजघाट क्षेत्र में 21, तिवारीपुर क्षेत्र में 6, कैंट क्षेत्र में 31, कोतवाली क्षेत्र में 11, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 11, चिलवा ताल क्षेत्र में 3, गुलरिया क्षेत्र में 9 मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो आज 92 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 7, बेलघाट क्षेत्र में 1, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 11, कैंपियरगंज क्षेत्र में 4, चरगामा क्षेत्र में 11, चौरी चौरा क्षेत्र में 1, गगहा क्षेत्र में 1, कौड़ीराम क्षेत्र में 17, खजनी क्षेत्र में 1, खोराबार क्षेत्र में 14, पिपरौली क्षेत्र में 4, पिपराई क्षेत्र में 2, सहजनवा क्षेत्र में 4, सरदारनगर क्षेत्र में 11, उरवा क्षेत्र में 3 व अन्य 22 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं।